नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं शर्मा। तो जो सुजलॉन का स्टॉक है उसको लेकर एक बड़ी खबर आई है। अगर आपने गौर किया हो तो शुक्रवार को जो स्टॉक था करीब 3.5% के आसपास की इसमें गिरावट आई थी, और ये जो स्टॉक था करीब 39.5 रुपए के आसपास बंद हुआ था। लेकिन ये गिरावट क्यों आई थी और क्या आने वाले दिनों में ये गिरावट जारी रहेगी, पूरी खबर मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाजार को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो खबर क्या है, देखिए खबर ये है कि ये जो गिरावट आई है वो एमएससीआई के रीबैलेंसिंग के चलते आई है। दरअसल एमएससीआई जो ग्लोबल इंडेक्स है उसमें 8 शेयरों समेत जो सुजलॉन की एंट्री होनी थी सुजलॉन की एंट्री हो गई और इसी के चलते गिरावट आई है। और गिरावट आप कहेंगे इसके चलते गिरावट क्यों आई है, इसके चलते तेजी होनी चाहिए थी। देखिए खबर, अब न्यूवामा इक्विटीज के हिसाब से बताया जाए तो साफ तौर पर उनका कहना है कि जिस एमएससीआई की तरफ से जब ये पहले खबर आई थी तो उसके चलते स्टॉक को वो फायदा मिल चुका था, स्टॉक को वो तेजी मिल चुकी थी, इसलिए कोई खास ज्यादा असर इस पर देखने को नहीं मिला। ऊपर से इस जो एमएससीआई में एंट्री के बाद जो स्टॉक में करीब करीब खबर इस तरह की है कि 28 करोड़ डॉलर जो है वो बेसिकली इनफ्लो इसके अंदर आना है। तो इसके चलते ये जो है गिरावट देखने को मिली कि जो करीब 3.5% का ये स्टॉक टूट गया है। इसके साथ ही दूसरी खबरें भी उठ के आई बाजार में। खबर ये उठ के आई कि ऐसी खबर आई कि प्रमोटर्स जो हैं अब इसमें हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। जी हाँ, जो कंपनी के वाइस चेयरमैन हैं गिरीश ताते जो हैं, इस तरह की खबरें थी कि वो इसमें अब हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। लेकिन इस पर भी पूर्ण विराम लगता हुआ मिला है मीडिया रिपोर्ट्स में, और एक चैनल में एक इंटरव्यू दिया गया जो प्रमोटर्स थे सुजलॉन के, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसी कोई भी अभी हमारी तरफ से ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया। अभी मौजूदा वक्त में करीब 13.5% की हिस्सेदारी है इस कंपनी में प्रमोटर्स की, और हम लोग आगे इस तरह का हमने अभी तक कोई फैसला नहीं आया, ना ही हम लोग अभी हिस्सेदारी फिलहाल के लिए बढ़ाने जा रहे हैं, ये उनके तरफ से कहा गया है। वहीं अगर स्टॉक की चाल की बात की जाए तो स्टॉक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है 6 महीने में। 250 पिछले 6 महीने की बात की जाए तो 250% ये स्टॉक भाग चुका है। इसके साथ ही रिजल्ट्स बहुत शानदार है, और रिजल्ट्स के बाद ही इसमें एकदम अपसाइड देखने को मिल रहा है इस स्टॉक में, और लगातार तेजी जा रही है। हालांकि लेकिन एमएससीआई के बाद से जैसे रीबैलेंसिंग हुआ है पूरा, उसको लेके गिरावट और उतार चढ़ाव का माहौल देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो ये ओवरऑल खबर थी, हमें बताने के लिए हमने आपको वो वीडियो भी दिखाई थी जब मैंने खुद मैनेजमेंट से कंपनी के प्रमोटर से चर्चा की थी। उनका साफ तौर पे कहना था कि 600 करोड़ सरप्लस कंपनी के पास है, पूरी तरीके से डेट फ्री हो गई है कंपनी के पास, ऑर्डर इनफ्लो जो है वो बहुत ज्यादा है। तो तमाम इस तरह की खबरें हम लोग आपको दिखाते हैं। सबसे पहले कैसी लगी आपको ये वीडियो, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। लेकिन हाँ, आखिरी में आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि देखिए हमारा जो चैनल है वो ज्ञान देने के लिए है, बिजनेस से जुड़ी खबरें देने के लिए। स्टॉक में निवेश आप अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही करें, हमारी इसमें कोई भी राय नहीं है और ना ही हम कोई राय देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।